इस ओवर्स में सारे कुछ दिखाई पड़े, आलो विकेट्स भी गए और चौके छक्के भी दिखाई पड़े। दर्शक आप भाग क्यों रहे हैं, छक्का को पकड़िए, झा फ्लावर आपको छोड़ के आने राशि दे रहे हैं छक्के को पकड़ने पर। हाँ दांत बचा कर अच्छी कोशिश गेंदबाज की फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ने की, लेकिन एक रन खाते में जाता हुआ बल्लेबाज के नए बल्लेबाज भास्कर हुए हैं और उनका साथ निभाने के लिए अभिषेक बाबू पहले से मौजूद हैं। 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक बाबू, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 35 गेंदें खेली हैं अभिषेक ने और 33 रन बना चुके हैं। लंबा शॉट, किसी भी नेशनल भारत के किसी भी नेशनल ग्राउंड में यह छक्का जाता है और फिर से छक्का, बिल्कुल मैं तैयार हूं, ये और भी दूरी तय करते हुए ये छक्का और भी दूर गिरता हुआ बाबू के आउट होते ही पूर्णिया के बेंच में एक सन्नाटा सा पसर गया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके कुल स्कोर को हम बता देना चाहेंगे क्योंकि थोड़ी सी अफर तफरी का माहौल बना हुआ था कमेंट्री बॉक्स में। 72 रन ठोक कर वापस गए हैं, 72 रन कुल स्कोर माफ करेंगे। अरे 36 गेंदों में 45 रन बनाकर वापस पवेलियन गए थे। गेंदों को डेट कर करके सिंगल्स लिए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि यहाँ पे खतरा हो सकता, 117 रन बनाने की आवश्यकता, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, चेजेबल है ये, बशर्ते इस जोड़ीदार को कम से कम 35-40 रन की साझेदारी निभानी पड़ेगी। बॉल दर बॉल आस्किन रन रेट 7.1 गिरता हुआ 7.22 पर था, 2-2 पर था एक बार। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरती से गेंद को डिलीवर किया है, क्या उसे सिर्फ छोड़ा था, कोई पेस नहीं, पेस को डेड जब आप करते हैं तो बल्लेबाज के बल्ले का फॉलो थ्रू जो होता है वही रहता है पिकअप उनका और इसी में चूक होती है। ये स्टंप को छोड़ते हुए गेंद गई थी, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं वाइड करार देने में विनय झा को और सिंगल के जरिए रन का ये कुल पहुंचा है 75। चौदह ओवर खत्म हुए, 16 ओवर की तैयार है दर्शक, रक्षक बिल्कुल उनके आगे गिरी और ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं। शॉट में तेजी नहीं डाल पाए बल्लेबाज भास्कर दुबे, भास्कर दुबे खेल रहे हैं 4 के निजी ऊपर 2 पर 94 रन यहां से चाहिए जीतने के लिए, सर 114 चाहिए, माफ करेंगे 114 रन चाहिए 94 गेंदों में। आस्किन रन रेट फिर से वही 7.28 पर पहुंचता हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह अभिषेक बाबू का आउट होकर वापस पवेलियन जाना। और यहां पर भैया ये तो कमाल हो गया, लगड़ाती हुई घोड़ी का फायदा उठाया क्षेत्र रक्षकों ने, दर्द से कड़ा रहे हैं वाचस्पति के पैर में गेंद लगी थी, हाउ वाज दैट एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, वाचस्पति चोटी होकर दौड़ लगा रहे थे, पीछे रह गए इन्होंने स्टैक गेंद के पर और गेंदियां भी खेल दी क्षेत्र रक्षकों ने। तो अब
अभी अभी एक झटका लगने के बाद अब आए हैं दर्शकों से गुजारिश, विजय भारती के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना। मनोबल भास्कर दुबे के बल्ले से निकला ये लाजवाब बेहतरीन डीप मिड विकेट की ऊपर से गगनचुंबी छक्का, और इस छक्के पर मिलते हैं उन्हें शानदार कट शॉट। गेंद की रफ्तार को अपने दाहिनी तरफ गिरते हुए गली के क्षेत्र रक्षक ने कम किया, एक रन से रोक नहीं पाए। ओवर संपन्न होता हुआ पुलिस को केवल बातें कर रहे हैं, तो इसको है करारा शॉट, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसे एक रन के जरिए रन का ये पहुंचा है 84 और लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 106 रन 87 गेंदों में चाहिए पुण्य की टीम को जीतने के लिए। भास्कर दुबे और विजय भारती, विजय भारती बनाम राजेश सिंह। विजय भैया और भास्कर बैठे कभी राजेश सिंह के ने विजय भारती के गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 2-3 छक्के जड़ दिए थे। अभी मौका है इन दोनों के बीच जो लड़ाई होगी वो किस कदर की होगी देखना दिलचस्प होगा। स्कोर 85, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है और ये इस कड़ी के बाद कोई बल्लेबाज नहीं होगा मुझे लगता है। खुद कितने संभाल कर स्ट्रोक खेलते हैं भाई भास्कर दुबे, आपने दिल जीत लिया मेरे। वाह कमाल का बहुत ही खूबसूरत शॉट में बोलने लगा था लेकिन क्षेत्ररक्षक को भास्कर दुबे देख नहीं पाए और लीजिए यहां पर मुश्किलों में फंसती हुई पूर्णिया की टीम। भास्कर को यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने जो शॉट खेला वो क्षेत्रक वो उस पर तुषारपात हुआ है। उसे सबसे बड़ी वजह भास्कर दुबे ही रहे जिन्होंने दर्दनाक फील्ड प्लेसमेंट देखा और एक गलत शॉट खेलकर अपनी टीम को संकटों में डालकर वापस लौट गए हैं। आउट होने से पहले भास्कर दुबे ने कुल कितने रन बनाए मैं ये बता देना चाहता हूँ। प्यारे दर्शकों को 15 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाकर वापस करने के लिए लौट रहे हैं भास्कर दुबे। 101 रन अब भी चाहिए यहां से, 84 गेंदे शेष और सारी जिम्मेवारी अब विजय भारती के कंधों पर आन पड़ी है। रितेश तू विजय भारती गैप खोल दिया विजय भारती ने और शानदार चौका भी प्राप्त किया है। काफी ज्यादा बाहर गेंद, सुरेंद्र नारायण सिंह को किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई वाइड प्राप्त करने में। एक और वाइड जोड़ने 94 रन बने हैं और अब चाहिए 96 रन 83 गेंदों में। मधुबनी का वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह की तरफ से 95, जितने रन बने हैं उतने रनों की और आवश्यकता। जिस शॉट को लेना चाहते थे थोड़ा सा इनसाइड हुए थे, लॉफ्ट करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, असफल हुए। बल्ले के निचले हिस्से से गेंद आई थी ऑन साइड की दिशा में, अपना स्ट्राइक सिर्फ रोटेट कर पाए विजय भारती, कंधे पर बड़ा दाव बाधा रन थे। छह पर पहुंचे विजय, मोनू का खाता खुलना बाकी, पहली गेंद खेलेंगे मोनू। रितेश 4.2 ओवर 2 में 25 रन, कोई सफलता नहीं। रितेश कंधे का इस्तेमाल किया था भरपूर और लाजवाब गेंदबाजी, फॉलो थ्रू रितेश का बड़ा ही लाजवाब है। जब गेंद डिलीवर करते हैं तो पूरी तरह से हाथ नीचे और दाया हाथ बिल्कुल पीछे चला जाता है और जो इनके फ्लेक्सिबिलिटी है वो लाजवाब है।
शरीर की लोच जिसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं वो गेंदबाज के लिए नितांत आवश्यक होता है। मौका एक रन लेने का और भाई इस मौके का भरपूर फायदा उठा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अगर हार जीत का अंतर एक रन होगा तो इस एक रन की काउंट उस वक्त जबरदस्त तरीके से की जाएगी और मुकाबले से बाहर भी एक मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। किसी खिलाड़ी की अगर गलती हो जाए तो उस टीम के लोग, उस टीम के खिलाड़ी उसे जिंदगी भर के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दे देते हैं। भीगा भीगा सा मौसम नजर आ रहा है, हवा बिल्कुल थमी हुई, मुकाबला रोचक अंदाज में आगे बढ़ता है। विदेश शायद विजय भारती की कमजोरी, या ये कहें कि विजय भारती जिन गेंदों को अच्छे तरीके से नहीं खेल पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसी गेंदों को बखूबी फेंकना जानते हैं विदेश, उनके पाले में गेंद नहीं डाल रहे हैं। रेडियस में 97% इसे रोका है। जिस शॉट की तमन्ना थी विजय भारती को खुद से, वो शॉट नहीं ले पाए। लाजवाब फील्डिंग, एक ही एक्शन में गेंद को एक हाथ से उठाया और थ्रो किया। ये झुके, खुद को छोटा कदरा किया और भैया एक लाजवाब छक्का जड़ दिया इस बल्ले के ऊपर से। अब विजय भारती का बल्ला बोलेगा इस छक्के पर और सौरभ पूरे हुए पूर्णिया टीम के। बहुत ही खूबसूरती से गेंद के पीछे आके फ्लिक किया है, हाफ फ्लिक जिसे कहेंगे, फ्लिक के सारे शॉट से फाइनल के निशान निकलते हैं, लेकिन ये शॉट गया स्क्वायर के निशान। राइटेड बॉल, अगर विजय भारती इस गेंद पर होते तो निश्चित तौर पर छक्के के लिए जाते। जीतने के लिए 85 रन 75 गेंदों में ऐसा हो सकता है संभव, लेकिन विजय का टिके रहना अवश्य होगा। विजय ने अपने साथी से कह दिया है कि तुम अपना विकेट बचा कर रखो, बाद बाकी मैं हूं। बखूबी इस बात को समझ रहे हैं मोनू कुमार। 5 गेंद 0 रन, रन लेंगे भी नहीं, एक रन होता भी तो नहीं लेते, क्योंकि विजय भारती के पास अब स्ट्राइक। सुपौल ने 17 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन बनाए थे, 5 विकेट, इस हिसाब से तो रनों की संख्या में आगे, लेकिन विकेट 2 ज्यादा गिरे पुणे के। अबल दैट के अपील और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ कुल 18 ओवर 105-7 विकेट के नुकसान पर पुणे। 105 रन 7 विकेट के नुकसान पर पुणे है और अब चाहिए 85 रन 72 गेंदों में 12 ओवर्स में 85 रन। विजय भारती स्ट्राइकिंग एंड पर रितेश गेंदबाजी कर रहे हैं और ये मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प मोड पर तब पहुंचेगा अगर विजय भारती आखिरी तक बल्लेबाजी कर लेते हैं तो। शॉट बहुत ही दूर गिरने वाला है, ये शॉट हमसे लगभग 25 मीटर और ये पीछे चला गया है। शानदार छक्का निकलता हुआ भी हल्की गेंद, गति परिवर्तन रितेश के चश्मे में डालना चाहते हैं। इसे नए सिरे से तैयारी करनी होगी भी।
विजय भारती के पास एक बार फिर स्ट्राइक दिया है। मेरे काम तो अब यही बचा है बल्लेबाज का कि अपने विकेट को हम बचाएं। विजय को स्ट्राइक दे, एक शानदार मौका भी अभी हाथों से फिसलता हुआ। याद कीजिए जब राजेश सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके तीन कैच छोड़े गए थे, अभी तो एक ही कैच छूटा है। फील्डिंग के लेवल पर अगर बातें करें तो कहीं ना कहीं से ज्यादा मौके मिले थे पूर्णिया के फील्डर्स को। बिल्कुल, क्या खूबसूरत शॉट है, स्क्वायर लेग की दिशा में स्टीयर किया है, मोड़ा है, चार रन विजय की। एक और चौका जोड़िए विजय के खाते में, पूर्णिया के खाते में परेशानियां बढ़ती हुई। ये भी छक्का चला जाएगा, प्लेट पर लगता हुआ छक्का, काफी कम आप सबों ने देखे होंगे। हल्की गेंद, रफ्तार में कमी, राजेश सिंह पूरा अनुभव झोंक रहे हैं कि किसी तरह एक विकेट लिया जाए। 63 गेंदें बची हैं मित्रों और 63 रन ही बनाने बाकी रह गए हैं पूर्णिया के बल्लेबाजों के। आखिरी तक ने बल्ले को मोड़ लिया, जिस तरह से पतवार चलाते हैं नाविक, कई दफे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज बिट हुए लेकिन आखिरी तक ने बल्ला मोड़ा इन्होंने। साउथ अफ्रीका दौरे में आप देख रहे होंगे डीप लगकर जिस तरह से बल्ले मोड़ते हैं, अजीबो गरीब अंदाज में उनका स्टांस भी बड़ा अक्वर्ड है। स्टीवन स्मिथ और डीन एल्गर का भी सही बल्लेबाजी, और ये ओ माय गॉड, ये तो चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी, जो स्पीड खड़ी है गेंद ने। साठ गेंदे 59 रन जीतने के, ऐसे में स्पिनर आए हैं और सिर्फ विजय भारती की तरफ ही नजर गड़ाए हुए थे। यहाँ मोनू भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों में 11 रन, बेशक स्ट्राइक रेट कम हो लेकिन बखूबी साथ में भारत के हाथों से गेंद को गली की दिशा में खेला है। दर्शकों की भारी तादाद आज यहाँ पर इस मुकाबले को देखने आए हैं। ऑकवर्ड स्टाइल से गेंद को मोड़ दिया है, गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन स्क्वायर लेग की दिशा में, चार रनों के लिए मुड़ बल्ले से ऊपर चौका निकलता हुआ 126। फ्लैट बॉल हवा में, चले गए हैं 140 का स्कोर पूर्णक। आहा, बिल्कुल सही बल्लेबाजी, कई दफे बल्लेबाज जब 2-3 चौके लगा चुके होते हैं तो उनका मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं 140 सात विकेट के नुकसान। 50 रन चाहिए 55 गेंदों में जीतने के लिए, आपके 54 गेंदों में जीतने के लिए 140 सात विकेट के नुकसान पर 21 ओवर समाप्ति हुई है 54 गेंदों में। शुभकामना का 2022 का
हो गया जिनके कप्तान भास्कर दुबे ने और पहले खेलते हुए सुपर की टीम ने 189 रन बनाए थे, लक्ष्य था 144 बन गए। बहुत ही सहजता के साथ गेंद के पीछे आए थे, बैकफुट पंच किया, बीचों बीच बल्ले पर लिया था, कवर से एरिया में खड़े शतरक्षक टीम के कप्तान राजेश सिंह ने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश 144 पर पहुंचा सकता है, जीतने के लिए 46 रन चाहिए। ये जो बचे हैं शेष 51, टॉस बनाते हुए अकाल अंसारी की गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, दोनों का कुल योग चला गया है 145। 145 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट, 45 रन और चाहिए, 50 गेंदें शेष। खूबसूरत गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हैं अंसारी, इस बार किस की होने का इस्तेमाल किया था, डायगनल गेंद बनी विकेट कीपर के पास पहुंचने से आती हुई, सोलह है विकेट कीपर, अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छे बल्लेबाज भी हैं सोलह, और दोनों टीमों की तरफ से आज विकेट कीपिंग काफी अच्छी देखने को मिली। ये भी शायद छक्का चला जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, छक्का निकलता हुआ मोनू के बल्ले से, और अब जो आठवें विकेट के लिए 62 रनों की एक जबरदस्त पार्टनरशिप हो गई है मोनू और विजय भारती के बीच। शिवांशु बाया से राउंड द विकेट, हल्के हाथों से खेलकर मोनू के हाथों में स्ट्राइक दिया है, और विजय भारती को मैं देख रहा हूँ, पिछली बार जब इनके दर्शन हुए थे गया में शतकीय पारी खेली थी विजय भारती ने, मात्र 37 गेंदों का सामना किया था, अपनी टीम को चैंपियन बनाया उस वक्त, और अभी वक्त कम से कम 8 किलो का वेट इन्होंने घटा लिया होगा अपने, जी अच्छी फिटनेस लेवल इनकी आ गई है, क्योंकि आज गेंदबाजी भी कर रहे थे, लेकिन खराब गेंद सही नसीहत मोनू के बल्ले से निकलता हुआ, सिर्फ विजय इस बार कलाइया मूर्ति भी भरी, आजकल इंटरनेशनल मैचों में जो आप शॉट्स देखते हैं, पिछले जमाने में ऐसे शॉट्स नहीं देखने को मिलते थे, कलाइया मूर्ति इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी मजबूत कलाइया होनी चाहिए, लोच होना चाहिए कलाइयों में, इसके लिए एक्सरसाइज होती है। नतीजा साफ निकल आएगा, और ये बिल्कुल बैकफुट पड़ गए, और ऑफ स्टंप की गेंद को खींच कर मारा है लेग साइड की दिशा में, मोड़ा, और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ 23 ओवर 158 रन, रोचक सनसनी खेज मुका। फिर से चौका निकल गया भैया, लाजवाब चौका सुभाष बिजली वाला की तरफ से, चौके पर दिए जाते हैं 50 रुपए की रन, खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद फिजाज अंसार, बैक टू द बॉल खेलते हुए, जब तक लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, लोगों ने फोकस कर रखा था विजय भारती को, टारगेट ले लिया था, लेकिन यहां पर मोनू ने भी आकर वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे सुपर के गेंदबाज, तुरंत का पत्ता जिसे कहते हैं वो साबित होते हुए ब्लैक हॉर्स, मौका मौका लेकिन विकेट कीपर से दूर, और गली या स्लिप कहिए वो काफी पीछे, वो
और गेम चेंजर साबित हुई विजय भारती। ध्यान हटा हुआ था मोनू पर से लोगों का और मोनू ने यहां पर वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद लोग विजय भारती से कर रहे थे। अब तक दोनों के बीच 70 से ज्यादा की साझेदारी हो गई होगी। मुझे आप एक्यूरेट डाटा दें आलो। बिल्कुल मोनू का कई ज्यादा मिलना चाहिए, उन्होंने विकेटों के पतन को रोका, बखूबी साथ निभाया विजय भारती का। 27 रन जीतने के लिए 38 गेंदे शेष हैं। 74 रनों की पार्टनरशिप और एक और छक्का निकलता हुआ मोनू के बल्ले से ऑफ साइड पर। एक फंसे हुए गेंद को हारे हुए गेंद को बिल्कुल पटरी पर डाल दिया है। 80 रनों की पार्टनरशिप। अच्छा किया विजय भारती ने, एक तो स्ट्राइकिंग एंड पर वही रहेंगे और दूसरी बात की रन आउट। इसी ढंग से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते रहे और विकेट में इनका गिरता है तो 36 गेंदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 रन है तो दो ओवर के बाद ये नतीजा निकल आएगा। जो भी करना है आप 12 गेंदों के दरमियान ही करने की कोशिश करेंगे, ये मानना है सुपौल के दर्शकों का, सुपौल के कप्तान राजेश सिंह का और गेंदबाजी करने आए कुंदन निषाद का भी यही मानना है। 3 ओवर 26 रन 1 सफलता कुंदन ने अब तक प्राप्त की है। 42 पर विजय भारती, अच्छा स्ट्रोक सुरक्षात्मक तरीके से सर को नीचे दबाते हुए एक चक्कर की जानब धकेलते हुए एक रन लिया है, जिसे आप वाइडिश लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र भी मान सकते हैं। जीत के लिए राउंड फिगर में आ गया है स्कोर, 20 रन चाहिए, गेंदें बची हैं 35 रन हुए 170 जीतने के लिए बनाने थे 190। शतकीय साझेदारी हो जाएगी अगर कोई विकेट गिरता नहीं, दोनों की साझेदारी टूटती नहीं है तो शतकीय साझेदारी से ये मैच को जीता कर जाएंगे। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थे, बैकफुट पर चले गए थे विजय भारती की, इसे मैं खोद कर निकालूंगा, लॉन्ग ऑन को ऊपर से छक्का लगाऊंगा, लेकिन सही किया, गेंद को डेड कर दिया मैंने। कुंदन निषाद विजय भारती के लिए, विजय तैयार। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ये शॉट भी निकल गई, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए और इस चौके पर सुभाष 47 पर चले गए हैं विजय भारती, अर्धशतक की कड़ी। फिर से बैकफुट पंच किया है और एक और सिंगल लेकर स्ट्राइक शायद अपने पास रखेंगे। इसे मैं बता दूं कि संगीत के बीच शायद आपने बातें सुनी नहीं, कल का मुकाबला मधुबनी बना दानापुर और आज के मुकाबले को जीतने के लिए 14 रन चाहिए क्रूडर की टीम को, 30 गेंदे शेष हैं, रिकॉर्ड रन रेट 2.8 3 से नीचे डाउन होता हूं। आपने 7 विकेट गिरा दिए थे लेकिन एक कैच टपकाया था विजय भारती का शुरुआत में ही, शायद वो 15 या 17 रनों पर खेल रहे होंगे। मोनू के लिए, मोनू खेल रहा है सैलीस पर, मोनू की गेंद, मोनू ने मोनू के लिए की और मोनू ने गेंद को पहुंचा दिया सोनू मोनू के पास 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पास। अब बल्लेबाज ही शायद अर्धशतक जमा पाएगा। ये क्रिकेट है, 3 अच्छी गेंद डालने की आवश्यकता है, 2 चौकों की आवश्यकता जीतने के लिए, 182 रन 26 ओवर प्रगति पर है। हवा में सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पर, आरसी के साथ अर्धशतक विजय भारती का और इन्होंने गेंदबाजी में भी 3 विकेट लिए थे, अर्धशतक भी ठोका है और अपनी टीम की नैया
दुनिया को पार लगाने का काम किया है विजय भारती। इस मुकाबले की आखिरी ओवर होगा, शतकीय साझेदारी हो जाएगी इन दोनों की। गेंद के पीछे आए थे हल्के हाथों से सहलाया और गेंद बॉडी लाइन की तरफ नजर आई सुपर कवर की दिशा में, ये बैकवर्ड पॉइंट भी कर सकते हैं, इस दिशा में गेंद गई एक रन लिया। विजय भारती पहुंचे 52 पर, मोहन 41 पर जीतने के लिए एक छक्के की आवश्यकता। सिर्फ और गली रीजन में खेलते हुए एक रन लेना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब किंतु पंक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, मात्र 6 रन चाहिए। एक रन लेने के लिए पहले से तैयार थे विजय भारती, विजय की ही कॉल हुई और इस रन को पूरा भी किया उन्होंने। 185 रन, 5 रन जीतने की एक छक्के, साझेदारी 6 रनों की हो गई है और साझेदारी 100 रनों की साझेदारी हो गई, मैच टाई हो गई है, शतकीय साझेदारी हुई और मैच में स्कोर है 189 स्कोर लेने बनाए थे। मैच बिल्कुल बनाने पर अब जीतने के लिए एक रन की आवश्यकता। विजय भारती 56, मोनू 42, टीम 189 और लीजिए यहां पर पहले मुकाबले को बड़े शानदार तरीके से विजय भारती की सनसनी खेज अंदाज में अर्धशतकीय पारी की बदौलत पूर्णिया की टीम ने जीत लिया है और पूर्णिया की टीम चूंकि नॉकआउट राउंड है आखिरी खेल है सेमीफाइनल में पहुंच गई है। विजय भारती हुए हैं आज के मैन ऑफ द मैच, 3 विकेट, शानदार अर्धशतक के पारी। तो इस सूचना के साथ मैं प्रिय शेखर आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस ले चलता हूं बताते हुए कि आगे का मैच आप कल देखेंगे 10 बजे दिन से दानापुर बनाम मधुबनी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शुभनाम कामना कप, जय रितु सिंह शेखावत और जय परसरमा परसोनी बलियास पट्टी की वो जनता जिन्होंने रिंकू शेखावत के हाथों में मुखिया पद की कमान थमाई। धन्यवाद, धन्यवाद मुखिया जी को।